नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप, मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नया साल कुछ दिनों के अंदर आने वाला है। हर किसी के मन में जो है कुछ ना कुछ एक मंजिल पाने की एक तमन्ना बनी हुई है। नए साल में किस प्रकार से सेलिब्रेशन करेंगे इसका भी प्लानिंग चल रहा है। कई लोग पिकनिक पार्टीज कहाँ कहाँ जाएंगे, घूमने गए, क्या क्या करेंगे, इसका प्लानिंग बहुत जोरों शोरों से चलने लगा है। लेकिन मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आपका नया साल किस प्रकार से और पूरा साल और पूरी ज़िंदगी किस प्रकार से स्वस्थ बना रहे इसके बारे में बहुत सारी अहम टिप्स जो आपके स्वास्थ्य को एनर्जेटिक और हेल्दी बना के रखेंगे उसके बारे में बहुत सारी टिप्स शेयर करूँगा। इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फंड को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक देना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी सवाल हो, जो भी हेल्थ रिलेटेड आपके मन में किसी भी चीज़ की जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख करके भेज सकते हैं। तो नया साल कुछ दिनों के अंदर आने वाला है, हम सभी सेलिब्रेशन करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा नया साल बिल्कुल अच्छा रहे, बेहतरीन रहे, बेस्ट रहे और पूरा साल भर हम जो है खुशी से ज़िंदगी काट सके और कामयाबी से ज़िंदगी जीत सके। तो आज मैं उसी कामयाबी को पकड़ के रखने के लिए और उसी ताजगी और स्फूर्ति को बना के रखने के लिए और आपके हेल्थ को बिल्कुल नंबर वन पोजीशन में रखने के लिए मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर करूँगा। कृपया इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहली चीज़ है, हेल्दी डाइट को मेंटेन कीजिए। जितनी मात्रा में, जितनी कैलोरी और जितनी मात्रा में पोषक तत्व आपको चाहिए, वो कैल्शियम हो, आयरन हो, मिनरल्स हो, विटामिन हो, फैट्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, तो उनका एक बैलेंस डाइट आपके दिमाग में रहना चाहिए और उसको ही साल भर मेंटेन करना चाहिए। हमेशा जानकारी रखिए, ज़्यादा चीनी और ज़्यादा नमक ये किडनी रिलेटेड कई तरह के कॉम्प्लिकेशन, डायबिटीज़, बीपी वगैरह को बढ़ावा दे रहे हैं। तो कम मात्रा में चीनी और कम मात्रा में नमक का हैबिट जरूर रखिए, जिससे आपको आने वाले समय में कोई भी दिक्कत ना हो। जितने भी हार्मफुल फैट्स हैं, विशेषकर ज़्यादा मात्रा में एनिमल फैट्स का प्रयोग ना करें, जिससे आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल और हार्ट संबंधित किसी भी बीमारी का खतरा ना रहे। अल्कोहल को बिल्कुल ही वर्जित रखें, क्योंकि अल्कोहल का कोई सेफ लेवल या लिमिट है ही नहीं। आज तक किसी साइंटिस्ट ने इसका सेफ लिमिट या सेफ इसका रेंज जो है इतने तक अल्कोहल पीने से कोई नुकसान नहीं है, इसका कोई प्रूफ करके डॉक्यूमेंटेड तथ्य दुनिया के सामने नहीं रख पाए। तो अल्कोहल का कोई सेफ लेवल होता ही नहीं है। स्मोकिंग एक हार्मफुल हैबिट है, इसको त्याग दीजिए। कई प्रकार के, जैसे अल्कोहल लेने से लीवर को नुकसान पहुंचता है, किडनी को नुकसान पहुंचता है, वैसे ही स्मोकिंग से लंग्स को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचता है। हमेशा साल भर एक्टिव रहिए, बिल्कुल आलसपन की आदत को त्याग के चलिए, एनर्जेटिक रहिए, स्फूर्ति रहना चाहिए अपने अंदर। बीपी को रेगुलरली एक टाइम इंटरवल के बीच में मॉनिटर करवाइए। आपकी भले ही बीपी नॉर्मल रहती हो, फिर भी एक समय के बाद आप जरूर बीपी को चेक कराइए। साल भर में एक से दो बार बॉडी का टेस्ट करवाइए नज़दीक के डॉक्टर के पास मिल करके। अगर आपको किसी भी प्रकार के कोई भी लक्षण है तब भी जाइए, और कोई भी लक्षण नहीं है तब भी जो है आप अपने बॉडी का एक बार चेकअप कराइए। आपके घर में छोटे बच्चे हों या थोड़े से बड़े बच्चे भी हों, और सभी लोग वैक्सीनेशंस लेने चाहिए। ये सिर्फ कोविड के वैक्सीन्स के ऊपर नहीं है, हर प्रकार के वैक्सीन्स जो आते हैं, वो छोटे बच्चे का ओरल पोलियो वैक्सीन हो या बड़ों का टाइफाइड का वैक्सीन हो या किसी भी प्रकार का वैक्सीन हो, उनको टाइमली जरूर लेना चाहिए। अनहाइजीनिक शारीरिक संबंध से बचिए। कई तरह के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और असुरक्षित यौन संबंध के माध्यम से कई तरह के इन्फेक्शन, सिफिलिस, गोनोरिया वगैरह से, HIV से भी लोगों की जाने जा रही है, तो इनसे भी बचने की कोशिश कीजिए। अपने मुंह को ढकने के लिए मास्क का प्रचलन ये बहुत पहले से था, लेकिन कोविड के दौरान ये एक कंपलसरी जो एक हैबिट के रूप में बन गया है, तो इस हैबिट को मेंटेन कीजिए।
नॉट ओनली फॉर COVID-19, ये कई तरह के साइनस के पेशेंट, डस्ट एलर्जी के पेशेंट, अस्थमा के पेशेंट को भी काफ़ी हद तक जो है उन चीज़ों से प्रिवेंट करके राहत दिलाता है। मच्छरों से बचने की कोशिश कीजिए, डेंगू, चिकनगुनिया, कई तरह के फाइलरसिस वगैरह, फाइलेरिया, कई तरह के इन्फेक्शन जो है मच्छरों से पैदा होते हैं, तो मॉस्किटो बाइट से भी अपने आप को प्रिवेंट करके रखिए। अपने लाइफ को ज़्यादा हेक्टिक मत रखिए, थोड़ा समय अपने को और अपने परिवार को दीजिए। ज़्यादा स्ट्रेस अगर ज़िंदगी में है तब भी कई तरह की बीमारियां घर कर सकती हैं, तो थोड़ा समय एंटरटेनमेंट के लिए ज़रूर परिवार के बीच में या सभी लोग मिल करके एंजॉय कीजिए। सेफ वाटर ड्रिंकिंग एक बहुत मस्ट है अभी के समय में। कई तरह की बीमारियां, गैस्ट्रोएंटेराइटिस और डायरिया वगैरह जो है अनहाइजीनिक वाटर से होता है, तो इनका ध्यान रखिए। घर में अगर कोई भी बच्चा पैदा होकर आ रहा है तो हर बच्चे को ब्रेस्ट फीड 0 to 2 years तक रखने का प्रयास कीजिए, नॉट ओनली 0 to 6 months। 0 to 6 months तो कंपलसरी है ही, अगर आप 2 साल तक हर माता अगर बच्चे को दूध पिला सकती है तो ज़्यादा बेटर है, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव में हैं तो अपने जान पहचान या अपने भरोसेमंद मित्रों को अपना तनाव शेयर कीजिए। ज़्यादा टेंशन से आपकी कई तरह की हार्ट संबंधित बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं या मानसिक रोग भी पैदा हो सकते हैं। एंटीबायोटिक्स को रेयरली यूज़ कीजिए, अनलेस किसी डॉक्टर ने लिखा है, जितनी मात्रा में उतना ही यूज़ कीजिए। अगर एंटीबायोटिक्स को आप रेगुलर यूज़, मेडिसिन और ज़िंदगी का बराबर का हिस्सा मान लेंगे तो आपका शरीर जो है ना एंटीबायोटिक्स के कचड़े से जो है कई तरह की बीमारियां पैदा करता रहेगा। तो आप समझ लीजिए आपका शरीर कोई लेबोरेटरी या प्रयोगशाला नहीं है जिसमें एंटीबायोटिक्स घुसेड़ते रहो, सब कुछ नहीं कीजिए। अपनी इम्यूनिटी के लिए नेचुरल मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन, होम्योपैथिक, आयुर्वेदा, योगा, प्राणायाम, यूनानी, सिद्धा, ये सब भी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, इनको इन्वॉल्व कीजिए और कोशिश कीजिए इनके माध्यम से ज़िंदगी काटने का। हर छोटे मोटे हर प्रकार के प्रॉब्लम में बार बार एंटीबायोटिक्स लेते लेते आपकी शरीर की इम्यूनिटी जो है धीरे धीरे जीरो मत करते रहिए, तो मैं ये उम्मीद करूँगा ये आप ज़रूर फॉलो करेंगे। हैंड हाइजीन को प्रॉपरली हैंड वॉश कीजिए, हाथ पैर साफ सुथरे रहने चाहिए, इनका भी हैबिट डालिए। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, इनके लिए एक वक्त जरूर निकालिए। और घर के बने हुए खाना पीना पर ज़्यादा डिपेंडेंस लाइए, ज़्यादा निर्भरता लाइए। अगर आपको मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं इन चीज़ों को आपने पालन किया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका नया साल ही नहीं, आपका हर नया साल और हर एक दिन जो है आपका लाइफ बिल्कुल हेल्दी और खुशहाली भरा रहेगा। और आप कम दवाइयों और कम डॉक्टर के पास जा कर के भी अपने संपूर्ण परिवार को सुरक्षित स्वस्थ रख पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। आप इसको संपूर्ण सुनने के बाद इस वीडियो को लाइक देना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा अगर आपको मुझसे प्रत्यक्ष किसी भी स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए मिलना है तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में डॉक्टर अरूप कुमार दास पेज में भी उपलब्ध है, आप वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।